रामपुर जिले की सबसे बड़ी नगर परिषद की श्रृंखला में शामिल है। 2 लाख आबादी वाले कामठी शहर में स्वच्छता के लिए, घन कचरा व्यवस्थापन के लिए घंटा गाड़ी की व्यवस्था की गई है। इसी माध्यम से कामठी शहर के अलग अलग भाग से कचरा जमा कर डंपिंग यार्ड में लाकर जमा किया जाता है, परंतु इस कचरे का सही तरीके से नियोजन नहीं किया जाता। रिसाइकलिंग के माध्यम से उचित नियोजन करना अत्यंत आवश्यक है, परंतु ऐसा नहीं किया जाता, जिस कारण डंपिंग यार्ड परिसर में बदबू व प्रदूषण निर्माण हो रहा है। कामठी में घंटा गाड़ी द्वारा जमा किए गए कचरे का सही तरीके से नियोजन नहीं किया जाता। रिसाइकलिंग के माध्यम से उचित नियोजन करना अत्यंत आवश्यक है, परंतु ऐसा नहीं किया जाता, जिस कारण डंपिंग यार्ड परिसर में बदबू व प्रदूषण निर्माण हो रहा है। यदि इस घन कचरे का सही तरीके से नियोजन कर गीला तथा सूखा कचरा अलग अलग कर गीले कचरे से बायोगैस बनाई जा सकती है तथा बचे हुए कचरे से खाद बनाकर किसानों के लिए उपयोगी हो सकती है, उसी प्रकार प्लास्टिक का रिसाइकलिंग से नगर परिषद अपनी अकेडमी बना सकती है। भारत सरकार घन कचरा व्यवस्थापन के लिए बड़ी मात्रा में निधि उपलब्ध कराती है, ऐसी राय राजेश दुबे ने दी। कामठी नगर परिषद जो है ये एक बी क्लास नगर परिषद है, जिले की ब वर्ग नगर पालिका है, और जिस तरह के से अभी कामठी का डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी बड़े पैमाने में यहाँ आबादी भी बढ़ी है, और जो शहर से कचरा नगर पालिका के माध्यम से जो घन कचरा शहर से उठा करके शहर के बाहर अजनी गादा मार्ग में एक डंपिंग यार्ड बना हुआ है, और उस डंपिंग यार्ड में ये कचरा वहाँ जाके डाला जाता है। लेकिन नगर पालिका ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जो कचरा यहाँ से शहर से कलेक्ट होता है, वो कचरे का प्रॉपर उसका यूज़ करके उसमें उसको रिसाइकलिंग करके उसमें कचरे को प्लास्टिक होता है प्लास्टिक अलग करके बाकी की सारी चीज़ें जो है उसको अलग हटा करके उसको रिसाइकलिंग करके फिर से उसको इस्तेमाल में लाया जाए, ना कि उस कचरे को एकदम कचरा समझ के बाहर फेंक दिया जाए, उसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। नगर पालिका अगर इसमें ध्यान दे, क्योंकि सरकार की तरफ से करोड़ों रुपया इस स्वस्थ भारत अभियान के दौरान स्वच्छता के, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ने जो स्वच्छता का एक अभियान छेड़ा हुआ है, उसके अंतर्गत लाखों करोड़ों रुपये नगर पालिका में आते हैं। मैं भी नगर पालिका में उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, 2 बार नगर सेवक रह चुका हूँ, और हमारे कार्यकाल में ये घन कचरा व्यवस्थापन एक समिति बनी थी, और तभी से ये कचरा वहाँ पर बाहर डाला जाता है। नगर पालिका ने अगर प्रॉपर नियोजन किया, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में शहर में मानसून का आगमन होने वाला है, और हमारे शहर का जो कचरा है नालियों और नालों के माध्यम से ये ऐसा जमा हो जाता है, जिससे कुछ कामठी शहर में कुछ दलित बस्तियां हैं, निचले इलाके हैं, वहाँ पर एक पानी का जमा हो जाता है, जिससे कि बीमारियां फैलती है, और ये सब कचरे के कारण होता है। अगर नगर पालिका प्रॉपर तरीके से कचरे को संगठित करे और उसको ले जा करके डंपिंग यार्ड में करे, तो उससे नगर पालिका की आय का जो है वो डेवलप होगा, आय बढ़ेंगी, उसका स्रोत बढ़ेगा, नगर पालिका में रेवेन्यू बढ़ेगा, और उससे नगर पालिका में बाकी के सारे जो काम है सुचारू रूप से होंगे, ऐसा मेरा मानना है। वीकेबी न्यूज में आपका सबका स्वागत है। इस समय हम नगर परिषद के कचरा डंपिंग यार्ड परिसर में खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कामठी में जो कचरा निकलता है घरों से, वेस्टेज कचरा, इसी जगह पे लाकर उसे डंप किया जाता है। यहाँ कचरा डालने के बाद में नगर परिषद इस कचरे को रिसाइकलिंग करके अलग अलग भागों में बांट कर उसे गीला कचरा और सूखा कचरा और पन्नियों को एक दूसरे को अलग करके रिसाइकलिंग किया जाता है, परंतु यहाँ पे नगर परिषद इस प्रकार की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। मात्र यहाँ पे कचरा लाया जाता है और कचरा लाके डाल दिया जाता है, परंतु नगर परिषद ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस कचरे से रिसाइकिंग करके कुछ रिसाइकिंग करके इस कचरे को विल्लेवाट लगाना चाहिए, लेकिन परंतु नगर परिषद इस प्रकार का किसी प्रकार का इस पर उपाय योजना नहीं कर रही है। आने वाले बरसात में जब पानी आएगा तब ये कचरा बहकर नाला, जो पीछे में नाले द्वारा बहकर बाहर बहा जाएगा, जिससे इस परिसर में बदबू गंदगी फैल जाएंगी, पर लेकिन फिर भी नगर परिषद का इस और किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, जो कि लोगों ने यहाँ की मांग की है कि इस कचरे के ऊपर में नगर परिषद ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर रिसाइकल करके इस कचरे का नियोजन, उचित नियोजन करना चाहिए। कामठी से नितिन रावेकर, वीकेबी न्यूज के लिए। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।